सामने जो आप घर देख रहे हैं ये 8 मरला का घर है और इस घर की लोकेशन DHFAS 9 लाहौर है। बहुत खूबसूरत इस घर का फ्रंट एलिवेशन है, इसको मॉडर्न क्लासिकल डिज़ाइन में डिज़ाइन किया गया है और आप इसका फ्रंट एलिवेशन देखें, ये क्लोजअप है इसका। इसमें ट्रेवर्टीन मार्बल आपको मिलेगा, एक रॉयल पैलेस स्टाइल इस घर की लुक है और बहुत खूबसूरत इस घर का इंटीरियर भी है। आप यहाँ से देखें कि मैं अगेन इसका एक ना क्लोजअप आपको दिखाता हूँ इसके फ्रंट एलिवेशन का। यहाँ पे इसका आउटर कोर्ट यार्ड है जिसमें बड़ी खूबसूरती से ग्रास लगाई गई है, प्लांटिंग की गई है और ये अगेन आप इसकी एलिवेशन देखें जहाँ पे लॉबीज बनाई गई हैं, टेरेसेस बनाए गए जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पे इसका एक रॉ आयरन में ब्लैक कलर का गेट है और ट्रेवर्टीन मार्बल इसकी बाउंड्री वॉल में और प्रोफाइल लाइट इसकी बाउंड्री वॉल में जो है वो स्पॉट लाइट यूज़ की गई है। यहाँ पे आपके पास गैरेज है, गैरेज में आप 2 गाड़ियाँ छोटी पार्क कर सकते हैं और एक बड़ी गाड़ी जो है उसके साथ एक छोटी गाड़ी भी पार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास फॉर्चूनर है V8 है तो वो फिर एक गाड़ी ही पार्क होगी इस गैरेज में। यहाँ पे आप देखें कि इसके यहाँ पे सारा मोज़ेक वर्क है और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस से जब आप एंटर होते हैं तो सामने आपको वेलकम करता है इसकी लिविंग स्पेस और लेफ्ट साइड पे इसका जो है वो पाउडर रूम है जिसमें फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है, वॉल हैंग कमोड है और सारी की सारी इम्पोर्टेड टाइल लगाई गई है, स्पार्ट ग्लास है और आप ग्लास की कटिंग से इसका अंदाज़ा लगाएं। ये इसकी लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया में क्लासिकल मोल्डिंग्स बनाई गई है। यहाँ पे एक पार्टीशन बनाई गई है जो कि इसके ड्राइंग की है और बहुत खूबसूरत इसकी ड्राइंग और डाइनिंग है। ऊपर देखें कि आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस की सीलिंग का डिज़ाइन मिलेगा जिसमें LED लाइट लगाई गई है और ये इसकी अगेन लिविंग स्पेस है और लिविंग स्पेस है ये आप दिखाऊं तो ये इसकी लॉबी का एरिया है। यहाँ पे स्टेयर्स आपको एक्सेस करती है अपर पोर्शन को जिसमें नीचे आपको यहाँ पे स्टार लाइट का यूज़ मिलेगा और इस साइड पे क्लासिकल मोल्डिंग और सामने कंसोल और ऊपर LCD आप प्लेस कर सकते हैं। ये यहाँ पे ग्लास लगा के बड़ा यहाँ पे ब्रास का काम बड़ी खूबसूरती से किया गया है। यहाँ पे एक अलग डोर दिया गया है जो इसके मेन किचन का है, यहाँ पे आप अपनी फ्रिज रख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास माइक्रोवेव ओवन है, सामने डिशवॉशर एरिया है और ये आपका बर्नर है, चूल्हा जिसको आप कहते हैं। ऊपर आप यूवी शीट्स का कलर देखिए, फ्लोटिंग किचन है जिसमें नीचे आपको LED लाइट मिलेगी, प्रोफाइल लाइट यहाँ पे नीचे लगाई गई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। ये इसका मास्टर बेडरूम है जिसमें आपके पास एक बेड है, ऊपर क्लासिकल मोल्डिंग्स है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की सीलिंग का डिज़ाइन है, फ़ैन लगाए गए और वेंटिलेशन के लिए एक लार्ज साइज़ की विंडो है और ये इसका मास्टर वॉशरूम है ग्राउंड फ्लोर पे जिसमें आपको 2 फ्लोटिंग वैनिटी मिलते हैं। ऊपर 3 स्मार्ट ग्लास लगाए गए हैं जिसमें आपको बहुत खूबसूरती से इसको ब्लैक कलर में डिज़ाइन किया गया है। इस साइड पे आपके पास वॉल हैंग कमोड है और रेन शावर कैबिन इसी के ऑपोजिट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं यहाँ पे इसको चेक भी करवा देता हूँ। ऊपर आपके पास ये रेन शावर कैबिन है, इनफ स्पेस है, आप यहाँ पे आराम से यहाँ पे बाथ ले सकते हैं और सामने इसका क्लोजेट एरिया है। ये जो क्लोजेट एरिया, आपको एक चीज़ ऐड करता चलूँ, ये जो सामने आप देख रहे हैं जिसमें प्रोफाइल लाइट लगाई गई हैं, ये सारा का सारा क्लोजेट एरिया 1 कनाल के घर जितने भी हैं उनमें यूज़ होता है। ये घर बहुत खूबसूरत है। इसमें अगर मैं अकोमोडेशन की बात करूँ तो टोटल 4 बेडरूम की अकोमोडेशन है, 5 बाथरूम है और मैं आपको इसके अपर पोर्शन में भी अभी यहाँ से लेकर जाऊँगा। ये इसका अपर पोर्शन का रास्ता है, पैसेज है, इसमें ट्रेवर्टीन मार्बल आप देखेंगे, इसकी जो स्टेयर केस है उसके साथ साथ पूरी वॉल्स में लगाया गया है और ये प्रीमियम क्वालिटी का ट्रेवर्टीन मार्बल जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ पे 2-3 क्वालिटीज़ होती हैं जिसमें कैवरेज क्वालिटी भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो मार्बल यूज़ किया गया है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया है। राइट साइड पे जी इसका मास्टर बेडरूम है अपर पोर्शन का जिसमें आप देखें तो सामने मोल्डिंग्स बनाई गई हैं और 2 LED लाइट आपको मिलेंगी। ऊपर आपको सारा का सारा यहाँ पे प्रोफाइल लाइट का यूज़ मिलेगा। सामने टेरेस है, टेरेस में यहाँ पे बालकनीज बनाई गई हैं और बहुत ही खूबसूरत ये इसका मास्टर वॉशरूम है जिसमें राइट साइड पर आपको सारा क्लोजेट एरिया मिलता है, ऊपर LED लाइट और यहाँ से मैं अगेन इस क्लोजेट एरिया को आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। साइड पे आपका वॉशरूम है जिसमें आपके पास रेन शावर कैबिन है, यहाँ पे आपके पास फ्लोटिंग वैनिटी सेटअप है, एल शेप में यहाँ पे आपको ग्लास की कटिंग है और वॉल हैंग का मोड आपको मिलेगा। सामने इसकी यहाँ से आपका जो टेरेस का एरिया है ये अगेन आप इसका मास्टर बेडरूम देखें, मैट फिनिश में इसकी वुडन फ्लोरिंग है। यहाँ पे इसकी जो फिनिशिंग है इसमें किसी भी चीज़ की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। एक अगर एंड यूज़र अपने लिए भी घर बनाता है तो वो इसी तरह का घर ही बनाएगा, इससे बेहतर घर वो नहीं बना सकता। बहुत खूबसूरत ये घर है। लेफ्ट साइड पर एक मिनी किचन है यहाँ पर और राइट साइड पर ये इसका अभी तक का 3rd बेडरूम है और अपर पोर्शन का 2nd बेडरूम जो मैं आपको विजिट करवा रहा हूँ। सीलिंग का डिज़ाइन देखें, सामने आप मोल्डिंग्स देखें कि कितनी खूबसूरती से यहाँ पे मोल्डिंग बनाई गई है वुड का यूज़ करके और यहाँ पे आपके पास ये इसका वॉशरूम है, फ्लोटिंग वैनिटी है, वॉल हैंग कमोड है और रेन शावर कैबिन है और अगेन यहाँ पे ग्लास की कटिंग देखिए, स्मार्ट ग्लास है।
इसकी बैक साइड पे प्रोफाइल लाइट यूज़ की गई है और यहाँ पे जो क्लोजेट एरिया रखा गया है आपने देखा होगा कि जो क्लासिकल स्पेनिश डिज़ाइन के वन कैनाल के फुल बेसमेंट पूल वाले घर हैं उनमें इस तरह के क्लोजेट एरिया जो है वो दिए गए। अभी तो मैंने जो पीछे दो कैनाल के घर शूट किए थे और एक कैनाल का घर शूट किया था उसमें इसी तरह का क्लोजेट एरिया दिया गया था। एक चीज़ प्लस यहाँ पर दी गई है कि कर्टन जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर प्लेस किए गए हैं जो कि आपको लगवाने नहीं पड़ेंगे। और सामने आपके पास यहाँ पर अगेन क्लासिकल मोल्डिंग्स के साथ ग्रीनिश कलर में ये बेडरूम है और यहाँ पे फ्लोटिंग आपके पास क्लोजेट एरिया है जिसमें बहुत खूबसूरती से आप अपने जो क्लॉथ्स हैं उसको हैंग कर सकते हैं और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत तीन ग्लास को की कटिंग करके यहाँ पे फ्लोटिंग वैनिटी के ऊपर ग्लास दिया गया है। यहाँ पे आपके पास रेन शावर कैबिन है, वॉल हैंग कमोड है और बहुत खूबसूरत इस घर की आर्किटेक्चर प्लानिंग है। और जो इसकी फिनिशिंग है उसकी तो मैं जितनी भी तारीफ करूँ वो कम है क्योंकि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है और अच्छी फिनिशिंग की गई है। कम पैसों में एक अच्छा घर है, एक बजट हाउस इसको आप कह सकते हैं। जो लोग 10 मरला के बजट में घर ढूंढ रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप ये घर बाय करें। बहुत खूबसूरत घर है और कम पैसों में एक अच्छा घर आपको यहाँ पर अवेलेबल है। आप 7 मरला का जिस बंदे ने घर लेना है उसकी प्रेफर यही है क्या?